हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम कर्नल रीड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज जो हम करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग। तो गाइस 15 अगस्त आने में अभी हमारे कुछ ही दिन रह गए, तो गाइस मैंने सोचा आप सभी के लिए क्यों ना एक वीडियो ला दी जाए। तो गाइस मैं आप सभी के लिए वीडियो ला चुका हूं, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस चलो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को इस बैकग्राउंड का लिंक मिलेगा, तो गाइस अब इसको डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस पहले मैं एक पीएनजी ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। हम इसे बैकग्राउंड के ऊपर ही लगाएंगे उस पीएनजी को। सो गाइस मैं पहले पीएनजी को ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी पीएनजी को रख रखा है यहाँ पे, ये वाला पीएनजी, ठीक है। एंड इसको हम कर लेंगे ऐड, ठीक है गाइस। एंड हम इसको पूरे फुल स्क्रीन करके अपने स्क्रीन पे इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है गाइस। एंड गाइस हमें इसका ब्लेंडिंग मोड पता है क्या रखना है, यो मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है गाइस। क्योंकि स्क्रीन नहीं रखेंगे गाइस इसे, हम मल्टीप्लाई रखेंगे, अगर स्क्रीन रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस हम इसे मल्टीप्लाई रख के इरेजर टूल में जाएंगे, ठीक है। एंड इरेजर के साइज को बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड नीचे से इरेज करेंगे सिंपल इस तरीके से, ठीक है गाइस। ऐसे एंड गाइस ज़्यादा इरेज नहीं करना, बस थोड़ा सा इरेज करके रखना इतना, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ पे मतलब हमें अपने मॉडल को लगाना है वहाँ वहाँ तक इरेज करना है, ओके गाइस। एंड कर लेते हम सिंपली डन ऊपर से, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस दोबारा से जाना मैं ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम अपने मॉडल को ले लेना, ठीक है। एंड मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज है। एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ वीडियो को देखो। एंड गाइस बैकग्राउंड को इरेज करो, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इस तरीके से अपने मॉडल को सेट कर लेना। एंड गाइस आप अपने मर्जी से किसी भी तरीके का पोज दे सकते हो, ठीक है। एंड जो फ्लैग लगाना है ना गाइस, वो अपने हिसाब से देख लेना आप गाइस कैसे पोज देना चाहते हो, ठीक है। सो गाइस अब हमने मॉडल को सेट कर लिया। एंड गाइस अब हमारी बारी आती है मॉडल के शेडो बनाने का, ठीक है। सो हम शेडो वैसे गाइस जरूरत नहीं है फिर भी, बट हम शेडो एक बार ही बनाएंगे, ठीक है। सो जाएंगे हम एडजस्ट में, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस कर देंगे 0, ठीक है। एंड जाएंगे रेजर टूल में, ठीक है। एंड साइड से हम इस तरीके से ये कर देंगे अंडो। एंड गाइस ये ब्रश सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस जाएंगे नीचे। एंड गाइस इसमें जाएंगे क्या कहते हैं गाइस ब्रश में, इसके साइज को हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है गाइस। एंड गाइस सिंपली हम इसको अपने शूज के नीचे इस तरीके से चलाना है, ठीक है गाइस। तो गाइस शेडो हमने क्रिएट कर लिया। एंड गाइस आप शेडो को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से गाइस, ठीक है। तो कितना हमें मैक्सिमम रखना है, तो गाइस ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि शेडो हमारे ज़्यादा नहीं देते, तो हम इसे कम ही रखेंगे, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद गाइस हमें जाना दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमें अब कुछ पीएनजीज का यूज़ करना है उसमें, तो गाइस हम चलते पहले गैलरी में से हम ले आते हैं, ठीक है गाइस पीएनजी। सो गाइस हमें एक फ्लैग का पीएनजी लगाते हैं पहले गाइस, ठीक है। हम ये रहा गाइस, ठीक है। एंड इसको इसका पीएनजी लगाने के बाद गाइस आप सभी को करना है क्या, इसके साइज को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस अब हमारा एक पीएनजी हो रहा है टेक्स्ट पीएनजी गाइस, ठीक है, 15 अगस्त का, ठीक है गाइस। सो हम इस पीएनजी को ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड गाइस दिक्कत की कोई बात नहीं है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली जाकर वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लेना, सब कुछ फ्री है, ठीक है गाइस। सो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है दबा दो। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस आप सभी को स्क्रीन पे यूजर नेम दिख रहा होगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो गाइस जाके फॉलो करना, ठीक है। सो मैंने टेक्स्ट पीएनजी ले लिया गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अपने हिसाब से देखना आपको कहाँ पे लगाना है ये पीएनजी, ठीक है। सो मैं इसको अपने यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे गाइस थोड़ा बेस्ट लग रहा है, तो गाइस मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इसको यहाँ से सिंपली इस तरीके से एडजस्ट करके एंड गाइस सेट कर लेना, ठीक है गाइस। एंड गाइस जब इसमें हमारी रह जाती है कलर करेक्शन, जो कि करते हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस फोटो करेंगे हम ड्रॉ टूल में जाके सेव। एंड गाइस के बाद हम इसमें कलर करेक्शन करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस फोटो को हमने कर लिया ऐड। एंड गाइस चलते हैं इस लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड हाइलाइट्स को करेंगे कम, ठीक है। एंड शेडो को ही बढ़ाएंगे नहीं गाइस, कम नहीं बढ़ा के रखेंगे, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद व्हाइट को करेंगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। एंड ब्लैक को करेंगे कम, ठीक है गाइस। एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में, ठीक है, इस कलर्स में। एंड गाइस वाइब्रेशन को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस, वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे। एंड गाइस सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस। एंड चलते हैं मिक्स में, ठीक है। इस रेड कलर के यू को हम बढ़ा लेंगे,
ठीक है गाइस, ऑरेंज कलर को लेंगे एंड गाइस सैचुरेशन को माइनस एंड ल्यूमिनस को प्लस, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस अब इसमें थोड़े जो हमारे कलर हैं ये इसके फ्लैग के, तो इसको भी छेड़ेंगे। तो गाइस चलते हैं येलो कलर में यू को बढ़ा लेते हैं, ग्रीन कलर में चलते हैं यू को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस इसके सैचुरेशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम प्लस में रखते हैं। एंड गाइस उसके बाद डन करते हैं ऐसे, ठीक है। एंड चलते नीचे वाले टूल में, ठीक है, फोटो क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो विग्नेट है हम इसको माइनस करेंगे ताकि हमारे फोटो में साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाए। एंड गाइस मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एंड गाइस फेदर को 100 प्लस एंड राउंडनेस को भी 100 प्लस। एंड चलते नीचे वाले आइकन पे एंड फोटो को शार्प करेंगे, कलर नोटेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड गाइस अभी हमारा एक काम रह गया, हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल में, एंड गाइस ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एंड गाइस इसको हम नीचे से प्रेस करते ऊपर की तरफ लाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस आप अगर आप शेडो ना बनाना चाहें तो गाइस आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो, यहाँ पे पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से ये फोटो अच्छी लग रही है। तो गाइस ये मैंने आप सभी को बस बताया, वैसे आप शेडो बना के भी रख सकते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।